प्रभारी निरीक्षक चौरी चौरा संतोष कुमार अवस्थी के नेतृत्व में चौरी चौरा पुलिस ने शातिर अपराधी मिथुन पासवान को उसके साथियों के साथ पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। जिसके संबंध में थाना प्रभारी संतोष कुमार अवस्थी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर रेलवे क्रॉसिंग फाटक देवरिया रोड से 15 जून को रात्रि 2:30 बजे के करीब पुलिस की चेकिंग के दौरान अभियुक्त मिथुन पासवान ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिस पर आत्मरक्षा करते हुए पुलिस ने मिथुन पासवान के साथ उसके साथियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों में मिथुन पासवान के अलावा धीरू पासवान, पुत्र स्वर्गीय विंध्याचल पासवान, चौतू चौहान पुत्र पारस चौहान निवासी रेवाड़ा विजयपुर थाना हरपुर बुधहट, ब्रजेश यादव पुत्र रामानंद यादव निवासी केवलाचक थाना चौरी चौरा, संजय पासवान पुत्र रामवृक्ष, सूरज भारती पुत्र साधु शुड़र निवासी डुमरी खास थाना चौरी चौरा शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से एक तमंचा, 315 बोर का एक जिंदा कारतूस, एक फायरशुदा खोखा कारतूस, एक 12 बोर का तमंचा व एक जिंदा कारतूस, 2 किलोग्राम नाजायज गांजा, एक 4 पहिया वाहन, एक 2 पहिया वाहन, 4 देशी शराब की पेटी बरामद की है। गिरफ्तारी के दौरान चौरी चौरा थाना प्रभारी के अलावा उप निरीक्षक मनोज कुमार यादव, मदन मोहन मिश्रा, प्रणव कुमार ओझा, कांस्टेबल रजनीश दुबे, राम कृष्ण यादव, सुनील कुमार यादव, मनीष कुमार यादव, रवि सेन यादव, प्रिंस कुमार यादव, दत्तात्रेय सिंह मनोज कुमार मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए थाना प्रभारी चौरी चौरा संतोष कुमार अवस्थी ने कहा, मिथुन कौन है पीछे वाला? मिथुन पासवान गोरखपुर जनपद का सबसे संगीन अपराधी है। इसके खिलाफ लूट, डकैती, चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। ये पिछले साल 1 लाख का इनामिया था, जो न्यायालय में सरेंडर हो गया था। ये पुलिस पर फायरिंग इसने की थी, इसमें इंस्पेक्टर साहब जख्मी हो गए थे। आज मुझे जानकारी हुई थी बीती रात में कि मित्र पासवान अपने साथियों के साथ कुछ डकैती डालने की योजना बना रहा है। जलीय मुखबिर की सूचना पर मैं क्रॉसिंग ढाले पर पहुंचा तो मित्र पासवान ने पुलिस को देख कर फायरिंग कर दिया, जिससे मैं बार बार बचा, मेरी पूरी टीम बार बार बची। हमने अदम साहस का परिचय देते हुए 6 मुजरिम को गिरफ्तार के पकड़ लिया गया। उसके कब्जे से 2 अदद तमंचा, 2 किलो गांजा, 1 मारुति वैगनार गाड़ी, 1 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुई। कई भी मुकदमे इसके खुले हैं, इसने कबूला है, इसने घटना को अंजाम देने के लिए कबूला है कि मैंने जगह क्षेत्र में भी घटना की है, चोरी चोरा में भी लूट की घटना की है, चिलवा ताल में भी चोरी की है और पिपराई में चोरी की है, और इसके अलावा भी ये कई घटनाओं में शामिल था।